तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकती। क्या हुआ अभी पापा? कुछ नहीं, तो आ बैठ। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकती नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगी सोनिया तेरे दिल। तूने मेरे प्यार को चुना था, अब मैं तेरे साथ चुनूंगी। सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगी, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी आँखों में छुपा के। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। शोभा क्या हुआ, आर यू ओके? ओफो कितना टेंशन लेते हो तुम लोग, कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। कितना टेंशन लेती है मतलब, एक तो खुद का ध्यान नहीं रखती, ऊपर से हमें बोल रही है। हाँ ठीक है ठीक है, अब से मैं अपना ध्यान रखूंगी। खुश? गुड। ये मजनू हमेशा इस लैला के पीछे पीछे भागता है और मेरा काम खराब करता है। तेरे दिल से ना कभी खेले। हे फ्रेंड्स, हेलो। क्या यार, सुना तेरा शादी फिक्स हो गया है? हाँ यार, अचानक मम्मी पापा ने शादी का डेट फिक्स कर दिया और कार्ड ही तो देने आई हूँ मैं, ये लो। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको। बाय द वे, हल्दी मेहंदी संगीत शादी सारे ऐसे में तुम लोग को मेरे घर ही रुकना होगा। हाँ यार, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्यों गौरी? हाँ, तू हमारी दोस्त है और दोस्त की शादी में हम लोग खुल के डांस करेंगे और पैसा भी लूटेंगे चीजों से, मजे ही मजे। तुम लोग तो अपने धुन में लगे हो। वैसे विपाशा कहाँ है? वो नहीं दिख रही है, अगर उसे पता चला ना तो वो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। होगी घर में, हमसे तो बात नहीं हुआ उसका। ओ ओके, सो मैं चलती हूँ उसके घर जाकर इसको कार्ड दे दूंगी और सरप्राइज भी। बाय बाय। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकती नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगी सोनिया तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगी, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा। विपाशा यहाँ क्या कर रही है? ये क्या, तेरे हाथ से तो खून डाल है, बैंडेज। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के। ये सब छोड़, मैं ठीक हूँ, बता कैसे आना हुआ? बहुत इम्पोर्टेंट काम से आई हूँ मैं, तू सुनेगी ना तो खुश हो जाएगी। अच्छा ऐसा क्या बात है? मेरी शादी फिक्स हो गई रवि से, ये ले कार्ड। शादी फिक्स हो गई? आई मीन अचानक? देखा, मैंने कहा था गौरी से तू सुनेगी ना तो शॉक हो जाएगी, और रवि से शादी अचानक क्योंकि तुझे तो पता ही है ना कि हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते, फैमिली को भी सब कुछ पता ही है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना बचपन के प्यार को शादी में बदल दिया जाए। वैसे भी एक ने एक दिन तो शादी करनी थी, इसीलिए अचानक फिक्स हो गई। और कितने दिन दूर रहते हम? अच्छा ठीक है, बाय, मैं चलती हूँ, बहुत लोगों को इन्विटेशन भी देना है, तो ध्यान रखना अपना, क्रीम भी लगा लेना। नहीं, मैं ये शादी होने नहीं दूंगी, मैं इस शादी को बर्बादी में बदल दूंगी। मेरा प्यार सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, मेरे रवि को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने। जल्दी चल शोभा, हल्दी का मुहूर्त निकल रहा है। रुको मैं देखती हूँ, रवि होगा शायद। ओहो,
देख ना अपने पति परमेश्वर के लिए कैसे भागे जा रही है। वही तो, बस करो यार। मैं उदासी कभी देख सकती नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगी सोनिया। कभी खेल ये कपड़ा रवि का, इसका मतलब फोन करती हूँ। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी बहू। हाँ हेलो रवि, कहाँ हो तुम? हेलो, हाँ घर पे हूँ, और कहाँ होंगे? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? बॉस, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी इसीलिए। लेटर, तेरी किस्मत अच्छी है जो मैंने अभी तक रवि को कुछ नहीं किया। अगर तू चाहती है कि रवि जिंदा रहे तो उसे शादी मत कर, वरना शादी से पहले तू विधवा बन जाएगी। क्या है ये सब, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू टेंशन मत ले शोभा, कुछ नहीं होगा। मैं तुझको दे दूंगी मेरी जान, तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी। क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में लग रहे हो? तुमने मुझे कॉल भी किया था, तब से मैं बहुत परेशान था इसलिए तुमसे मिलने आ गई। अब बताओ भी क्या हुआ? रवि वो एक्चुअली मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। क्या तुम भी बकवास बात पे बिलीव करते हो? किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया होगा तो इसलिए तुम डर गई, बेवकूफ लड़की। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, आजकल ना मैं ज्यादा ही सोचने लगी हूँ, प्रैंक ही होगा ये। तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो, सही नहीं है ये। लगता है अब अपना असली रूप दिखाना ही होगा तुम लोगों को कि बिपाशा क्या क्या कर सकती है अपने प्यार को हासिल करने के लिए। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकती नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगी सोनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी सारे राज अपने। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसे प्यार के लिए तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, फिर शोभा क्या चीज है? आई लव यू सो मच रवि, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, प्लीज तुम मेरे हो जाओ। और शोभा में क्या रखा है, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा खुशी दूंगी। सही कहा तुमने, उस शोभा में कुछ नहीं है। जैसे तुम्हें मुझ में प्यार है वैसे मुझे भी तुम्हें बचपन से प्यार है। पर वो सुबह बचपन से मेरे पीछे पड़ा है। मैं हूँ ना, मैं बता दूंगी उसे सब कुछ, तुम बस मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, सब कुछ। तो फिर हमारे प्यार के बीच के कांटे को हटा दो। हाँ रवि, बहुत हो गया उस शोभा का, उसने मेरे प्यार को मुझसे दूर रखा, पर अब और नहीं, उसी के शादी के दिन उसी को खत्म कर दूंगी। फिर तुम मेरे और मैं तुम्हारी।
जाकर उस लड़की को दे देना। प्यार के पास प्यार प्यार तो मैं हूँ ना। तू मेरा प्यार छी, तू तो एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। साथ तेरे रहना 24 घंटे मैं रहना 24। नहीं, शोभा रवि से शादी कर रही है, वो मेरे रवि को मुझसे दूर ले जा रही है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं शोभा का रास्ते से हटा दूंगी तो रवि मेरा हो जाएगा। मैं पागल हो चुकी हूँ रवि के प्यार में, मुझे वो कैसे भी चाहिए, वो मेरा होके ही रहेगा। रवि को मेरा होते हुए कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। रवि सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। शोभा, तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। बिपाशा को लेकर। बिपाशा? हाँ, तुम्हारा वो दोस्त। मैं तुझको दे दूंगी मेरी जान, तूने मुझको पागल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी दोस्त ऐसे कर ही नहीं सकती। आने शोभा, मुझसे ज्यादा अपने दोस्त पे भरोसा करते हो, पर मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारा सामने सारा सच ला दूंगा। ओके, पर अगर तुम गलत निकले तो अपना शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। ये रवि का प्लान था तेरा सच्चाई बाहर लाने के लिए, मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा था, पर तूने मुझे गलत साबित कर दिया। दोस्त कहती तो खुद को, दोस्त ऐसे होते, तुझसे अच्छा तो मेरे दुश्मन है, जो है मुंह पे तो है, पर तू मेरे पीठ पीछे मुझे खंजर घोंप रही थी, जो दिन ब दिन मुझे और जख्म दे रहा था, पर मुझे पता ही नहीं चला। पर अब रवि ने मेरी आंखें खोल दी है। कभी देख सकती नहीं सारी बात, प्लीज अब माफी का ड्रामा मेरे सामने बिल्कुल भी मत करना। थक गई हूँ मैं ये सब नौटंकी देख देख के। कभी खेल, अब तुम लोग भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? तू अगर शोभा को धोखा दे सकता है जो तेरे लिए जान देने के लिए रेडी है, तो हम क्या चीज है? और हमें धोखेबाज इंसान से दोस्ती रखने का कोई शौक नहीं, जो अपने आप को बहुत समझता है वो लास्ट में अकेला ही रह जाता है। गुड बाय। मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी